हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। इस सब का एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा और एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि ये सब चीजें एक्चुअल में कहाँ अप्लाई होती है और कैसे दिखती है और किस तरह से वर्क करती है। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम डिजिटल मार्केटिंग क्या है ये समझे, उससे पहले जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में मार्केटिंग क्या होती है। गाइस, अगर आपका कोई बिजनेस है और उसमें आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज है तो उसको आपको लोगों तक सबसे पहले पहुंचाना पड़ेगा ताकि वो लोग आपके कस्टमर्स बने। तो इस जो पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं हम मार्केटिंग। और जब यही प्रोसेस हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंटरनेट का यूज करके करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। न्यूज़पेपर, टीवी एड्स, ये सब चीजें होती थी पहले जिसका यूज करके हम मार्केटिंग करते थे, लेकिन अब वो चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है या फिर यूं कह सकते हैं कम होती जा रही है। और डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की गिनती बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में स्कोप अब बहुत ज्यादा है। चाहे आप एक बिजनेस करें या फिर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर दें या फिर आप एक डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें या फिर आप चाहे तो एक जॉब भी कर सकते हैं। तो हर जगह स्कोप बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो गाइस, इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अभी हमने समझ लिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। अब हम सीधे चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन पर और वहां मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जहां पर वो अप्लाई हो रहे हैं। काफी सारे प्लेटफॉर्म्स में आपको दिखाऊंगा जिसमें डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके लोग अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने गूगल पे सर्च किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रहा हूं एग्जांपल वो है गूगल एड्स का एग्जांपल। तो यहां पर आप टॉप पे देख सकते हैं जब मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, नीचे काफी सारे सर्चेस आए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर जो टॉप जो सर्च आया है। तो ये देखिए, ये एक कंपनी का है उडासिटी करके, इसका एड आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं। लेकिन अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि एड कौन सा है और रिजल्ट कौन सा। तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक एड है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये एड है और ये एड चलाया जाता है गूगल एडवर्ड्स का यूज करके। ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इफेक्टिव टेक्निक में से एक है जिससे आपको 100% ट्रैफिक मिलेगा आपके वेबसाइट पर या फिर आप जो भी ब्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल जो भी आप चला रहे हैं, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो गाइस, ये होता है गूगल एडवर्टाइजिंग, यानी कि इस पे क्लिक करने से हम एक वेबसाइट पे जाते हैं और जैसे ही उस वेबसाइट पे जाते हैं हमारे उसे क्लिक से जिस बंदे ने ये एड चलाया है उसके अकाउंट में से पैसे कटेंगे। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है ये आने वाले वीडियो से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम अभी ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। तो गाइस, ये है हमारा पहला एग्जाम्पल गूगल एड्स चलाना। ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इफेक्टिव टेक्निक है। और इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं काफी सारे वेबसाइट्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई एड नहीं है। आप देख सकते हैं इनमें से किसी के भी पहले एड लिखा हुआ नहीं आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाले पे एड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो एड होता है ये सिर्फ टॉप में नहीं होता, कभी कभार ये एड नीचे बॉटम में भी होता है और सेकंड पेज पे भी आपको ये देखने को मिल जाता है कभी कभी। अभी हम देख लेते हैं सेकंड पेज पे कोई एड है कि नहीं है। सेकंड पेज पे भी इन्हीं का एड चल रहा है और हम लास्ट में देख लेते हैं कुछ है। हाँ देखिए, लास्ट में भी एड चल रहे हैं और इस बार 3 एड्स चल रहे हैं लास्ट में। तो ये 3 अलग अलग कंपनीज ने अपने एड चला रखे हैं। तो इन पे क्लिक करने से उनके अकाउंट से पैसा कटेगा और उनको एक व्यू मिलेगा और हम उनके कस्टमर बन सकते हैं। अगर हमें उनके वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो अगर अच्छे लगे तो हम उनके कस्टमर बन जाएंगे। और इसके अलावा जो भी वेबसाइट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सब SEO के वजह से हुए हैं। SEO मतलब अच्छा कंटेंट डालने से, उस कंटेंट में सही ढंग से कीवर्ड्स का यूज करने से और बैकलिंक्स बनाने से और रैंक बैन टेक्निक से, और ये बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। और SEO की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। हाँ, टाइम जरूर लगता है लेकिन पैसे नहीं लगते। लेकिन एड के केस में पैसे लगते हैं लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। आज अगर हमने एड चला दिया तो 24 घंटे में हमारा एड अगर अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर शो होने लग जाएगा। लेकिन उसमें भी कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, किसका, बहुत सारे लोग ऐड चलाते हैं तो किसका शो होना चाहिए, वो बहुत सारी चीजें होती है। जो ज्यादा पैसे देता है उसके पहले शो होते हैं, जो कम पैसे देता है उसके बाद में शो होते हैं,
ये सब चीजें, और कितने पैसे हमें देना है ये सब कुछ हमें बहुत इजीली पता चल जाता है, और हमें जितना देना है हम उतना दे सकते हैं। तो ये ऐड चलाने का जो प्रोसेस है वो सिंपल है, बस पैसे लगते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो कि है SEO, जो कि फ्री टेक्निक होती है और उससे हम हमारे वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं और ट्रैफिक अपने वेबसाइट पर ला सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे टेक्निक पर जो कि है यूट्यूब में। आप हमेशा देखते होंगे जब भी आपको एक वीडियो चलाते हैं तो उस वीडियो में आपको एड्स नजर आते हैं, वो एड्स भी हम गूगल एडवर्ट से ही चलाते हैं। जो एड हमने जिससे हमने ये वाला एड चलाया उसी गूगल एडवर्ट से हम ये यूट्यूब में जो वीडियो एड्स आते हैं वो भी हम उसी से चलाते हैं। तो हम यूट्यूब में वीडियो के फॉर्म में भी एड्स चला सकते हैं। ये तो टेक्स्ट एड्स होते हैं, और हम यहाँ पर यूट्यूब में गूगल एडवर्ट्स का यूज करके भी एड चला सकते हैं। और YouTube में एक और बात होती है, सिर्फ YouTube की बात नहीं है, ब्लॉग्स वेबसाइट सब में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी होता है। यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनकी बात हम सुनते हैं उन लोगों के थ्रू कंपनीज मार्केटिंग करवाती है। जैसे यहाँ पर मैंने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू लिखा है, जितने भी लोग यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर रहे हैं फोन्स का ये सब चीज़ों का, तो वो लोग एक तरह से अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर रहे हैं। कुछ लोग जेन्युइन करते हैं और कुछ लोग पेड रिव्यूज़ करते हैं। तो पेड रिव्यूज़ का मतलब ये नहीं होता है कि वो गलत बताते हैं उसमें, पेड रिव्यूज का मतलब ये होता है कोई कंपनी उनसे कॉन्टैक्ट करती है और वो कहते हैं कि आप इस फोन का रिव्यू करो, जो भी सच बात है वो बताओ, और इस तरह से वो लोग रिव्यू करते हैं और हम उनकी बात मान लेते हैं क्योंकि हम बहुत सालों से उनको फॉलो कर रहे होते हैं। कोई भी ऐड चला सकता है अपना, लेकिन हम बात उनकी माने नहीं माने ये डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे कोई इंसान हो जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेक्निकल गुरुजी, अगर ये कोई बात कहेंगे तो हम उसको मान लेंगे क्योंकि ये इनके देखिए 1,40,00,000 सब्सक्राइबर्स है, ये सारे सब्सक्राइबर्स इनको मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो इनके थ्रू करवा सकते हैं। और ये देखिए इनके 60,00,000 सब्सक्राइबर्स है, तो ये जब रिव्यू करेंगे तो इनको लोग फॉलो करेंगे। तो इस वजह से ये जो कंपनीज होती है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। ये जितने भी लोग जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनको कहते हैं इन्फ्लुएंसर। जब भी वो कोई वीडियो बनाते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं। हम सारे यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, छोटे इन्फ्लुएंसर्स और बड़े इन्फ्लुएंसर्स मैटर करते हैं, लेकिन सारे यूट्यूबर्स सारे ब्लॉगर्स वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो गाइस ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और इसके अलावा मार्केटिंग हम फेसबुक में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आप फेसबुक में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, ये एक ऐड है जो मैंने आपके लिए ढूंढ के रखा है। DIIB नाम की एक कंपनी है जिन्होंने ये ऐड चलाया, तो ये ऐड इन्होंने फेसबुक पर चलाया। फेसबुक में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ, मैनेज एड्स। इस मैनेज एड्स के ऑप्शन में अगर आपके सामने शायद मैनेज एड्स नहीं आएगा, क्रिएट एड्स होगा, क्योंकि मैंने पहले से ऐड चला रखे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैनेज एड्स का ऑप्शन आ रहा है, आपके केस में क्रिएट एड्स होंगे। तो आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक में और पे करके अपने एड्स को यहाँ पर शो करवा सकते हैं, और इसके थ्रू यहाँ पर लिंक दे देते हैं लोग, और लिंक देते हैं उनके वेबसाइट पर ट्रैफिक जाती है और कस्टमर्स बन जाते हैं। ये गूगल एडवर्ड्स जितना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि क्या है ना, फेसबुक में जो ट्रैफिक आती है उनका पर्पस वो इस वेबसाइट को या फिर इस तरह के कंटेंट को ढूंढने के लिए नहीं आते है वो लोग। उनका हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहता हो डिजिटल, ये जैसे ये SEO का एक ऐड है तो उनका इंटरेस्ट रहता होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ये ढूंढने के लिए फेसबुक चला रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं होता है गूगल एडवर्ड्स के जैसे। तो यहाँ पर जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया इसलिए मुझे ये ऐड दिखा, लेकिन फेसबुक में मैं ऐसे ही आया था और मुझे ये ऐड दिख गया। तो जरूरी नहीं है कि मैं इस पर क्लिक करूं और उनकी वेबसाइट पर जाऊं और उनका कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीद लूं, बस देख लिया और छोड़ दिया, ठीक है। तो ये होता है फेसबुक में ऐड चलाने का तरीका। अब मैं कैसे चलाते हैं ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो से बताऊंगा, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है डिजिटल मार्केटिंग का। और इसके अलावा हम ट्विटर पर भी ये चीज़ें देख सकते हैं, ट्विटर पर भी एड्स चलाते हैं लोग, जैसे कि ये है, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं है। स्पॉन्सर्ड ऐड कभी होगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल ट्विटर पे मैंने कोई स्पॉन्सर्ड ऐड देखा नहीं, इसलिए मैं आपके लिए एग्जांपल ढूंढ के नहीं रख पाया। और लिंक्डइन में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए प्रमोटर लिखा हुआ है, ये प्रमोट करवाया गया है, पेड है ये बिल्कुल, क्योंकि ये ऐड चलाया है, ये सिंपल एक पोस्ट नहीं है, ये उन्होंने पेड एडवर्टाइजमेंट किया है। तो ये लिंक्डइन पर भी जो प्रोफेशनल लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पर ऐड चलाए जाते हैं, तो जो लोग प्रोफेशनल है उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनके सामने एड्स आते हैं, तो ये काफी इफेक्टिव होता है लिंक्डइन में भी। और इसके अलावा डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग होता है, आप अगर किसी भी वेबसाइट पर देखते हैं कोई ब्लॉग वगैरह होते हैं तो उनके ब्लॉग में आप ये देखिए यहाँ पर ये साइड में जो एड आप देख रहे हैं इस तरह के एड्स ब्लॉग्स में भी होते हैं।
तो मान लीजिए इस वेबसाइट पे महीने में लाखों लोग आते हैं, तो उन लाखों लोगों के सामने ये एड जा रहा है, उनमें से कोई ना कोई तो ऐसे लोग होंगे जिनको इनके इस एड में इंटरेस्ट हो और इनके वेबसाइट में जाए और कस्टमर बन जाए। तो ये काफी सारे लोग यहाँ पर भी ऐड चलते हैं, और ऐड अलग अलग टाइप के चलते हैं। देखिए ये एक बड़ा ऐड आप देख सकते हैं टॉप पे, ये भी एक डिस्प्ले ऐड है, और ये जो छोटा स्क्वायर शेप में ये भी एक डिस्प्ले ऐड है, और यहाँ पर एक और नीचे ऐड, ये भी डिस्प्ले ऐड है। ये सारे डिस्प्ले लेकिन अलग अलग साइजेस शेप एंड साइजेस में होते हैं, और कभी कभी आपको मिल सकता है एनिमेटेड एड्स भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं होवर कर रहा हूँ, इसका कलर चेंज हो, तो काफी अलग अलग टाइप से ऐड बनाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक अलग तरह का बैनर ऐड आया, ये पतला वाला है, इसकी साइज अलग है, लेकिन सारे गूगल एडवर्ड्स का यूज करके ही बनते हैं। जैसे ये वाला जैसे बना वैसे ही ये भी बने, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट है और यहाँ पर डिस्प्ले है और यूट्यूब में वीडियो एड्स है, ये सारे के सारे एड्स आते हैं गूगल एडवर्टाइजमेंट से। और ये हुए हमारे डिस्प्ले एड्स, और इसके बाद में आपको बताता हूँ ईमेल एड्स। ईमेल में के थ्रू भी लोग प्रमोट करते हैं अपने वेबसाइट्स को, अपने बिजनेस को। जैसे मेरे ईमेल पर भी मुझे ये दो ऐड दिख रहे हैं, ये मेरे ईमेल पर इनको किसी तरह से मेरा ईमेल आईडी मिल गया, और एड्स के थ्रू मेरे ईमेल पर भी इन्होंने ये प्रमोट किया है। तो ये ईमेल मार्केटिंग कहते हैं इसको। ईमेल मार्केटिंग फ्री में भी होती है और पेड भी होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये ऐड वो पेड है, और इसके अलावा आप ये जो प्रमोशंस वगैरह यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे दो ऐड आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये जो पिंटरेस्ट है, कैनवा, ये सब ऐसे लोग हैं जहाँ पर मैंने अपना लॉगिन कर रखा है और उनके पास मेरी ईमेल आईडी है, तो जब भी उनके पास कोई नया ऑफर आता है तो वो मुझे ईमेल करते रहते हैं। तो ये होता है ईमेल मार्केटिंग। इस तरह से पूरी दुनिया में हमारे ईमेल आईडी को लोग खरीदते हैं, जिनके पास भी होता है वो ईमेल आईडी बेचते हैं। बहुत सारी कंपनी से जो ये सिर्फ ये काम करती है, ईमेल आईडी बेचना और खरीदना, क्योंकि ये ईमेल मार्केटिंग के काम आती है। तो गाइस ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई, इन सभी तरीकों से हम एड्स चला सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। और जब बात आती है मोबाइल एप्लीकेशंस की, तो आपने काफी बार देखा होगा आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन चलाते हैं, मान लीजिए जैसे क्रिक बस, जहाँ पे हम क्रिकेट का स्कोर वगैरह जानने की कोशिश करते हैं। तो क्रिक बस में जब आप क्रिकेट का स्कोर जान रहे होते हैं, तो नीचे सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं कि वहां पर एड शो होते हैं, छोटे छोटे बैनर एड। जैसे आपने यहाँ पर इस वेबसाइट पे देखा, ये अभी मैंने दिखाया था, हाँ ये देखिए ये वाला जो एड है जो अभी आपने कहा गया, ये रहा। इस तरह के एड्स छोटे से फॉर्म में हमारे मोबाइल स्क्रीन पे हमें दिखते हैं, तो वो भी एक इफेक्टिव मार्केटिंग होता है, क्योंकि कितने सारे लोग क्रिकेट का स्कोर जानना चाहते हैं, एक ही मिनट में लाखों लोग ऐसे आते हैं जो क्रिकेट के स्कोर देखने आते हैं, तो उनके सामने जब ऐसे एड्स जाएंगे तो या तो कभी कभी गलती से क्लिक हो जाता है, या फिर लोग जान करके क्लिक करते हैं और कस्टमर बनने के चांसेस रहते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी एड्स चलाए जाते हैं, वो भी गूगल एडवर्ड्स का यूज करके ही चलाया जाता है। बस जैसे कि दूसरे सब में मैंने बताया, जैसे ये गूगल एडवर्ड्स से चलाया जाता है, ये वाला एड गूगल एडवर्ड्स से चलाया जाता है, यूट्यूब के वीडियोस के अंदर जो एड्स हमें देखने को मिलते हैं वो गूगल एडवर्ड्स से चलाया जाता है, तो ये सभी वैसे ही चलाया जाता है। और उसके अलावा जब आप गेम्स वगैरह खेलते हैं मोबाइल में, तो आपको फ्री कॉइन्स मिलते हैं, तो फ्री कॉइन्स के लिए जो एड्स चलाए जाते हैं वो भी एक तरह से गूगल एडवर्ड्स से चलाए जाते हैं, क्योंकि उन एड से भी उनको कोई ना कोई व्यूज। और दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो मोबाइल एप्लीकेशंस चलाते टाइम, जैसे कि मान लीजिए क्रिक बस एप्लीकेशन होता है, उसमें भी अगर आप जब सबसे लास्ट में देखते हैं नीचे साइड, तो आपको इस तरह के एड शो होते होंगे। ये देखिए जैसे .com का जो एड शो हो रहा है, इस तरह के एड्स वहां पर शो होते हैं, लेकिन छोटे साइज में होता है। तो वहां पर भी बहुत बड़े लेवल पर डिजिटल मार्केटिंग होती है, क्योंकि गाइस जैसे क्रिक बस जैसे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशंस है, तो उस एप्लीकेशन को कमाई कहाँ से हो रही है, वो एड्स के थ्रू ही कमाई करते हैं। तो हम जैसे लोगों के सामने एड्स आते हैं और हम उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने से जिन लोगों ने एड चलाया उनके अकाउंट से पैसे कटते हैं और वो सारे पैसे मिलते हैं उन एप्लीकेशंस वालों को। तो फ्री एप्लीकेशंस का यही बेनिफिट होता है, और क्रिक बस में स्कोर हम फ्री में जान सकते हैं, तो लाखों लोग क्रिक बस एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, और उसके थ्रू उनको स्कोर पता चलता है, और नीचे एड डिस्प्ले होते हैं, और कुछ लोग उन एड्स पे क्लिक करते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, और कुछ लोग नहीं करते हैं, क्लिक करने पर पैसे कटते हैं और क्रिक बस को वो मिल जाते हैं। तो उसके थ्रू भी एप्लीकेशन ये डिजिटल मार्केटिंग होती है। और आपने नोटिस क्या होगा, जब आप गेम्स खेलते हैं तो आपको फ्री कॉइन्स, फ्री कैश, ये सब जब आपको मिलने का होता है, आपको चाहिए होता है फ्री कॉइन्स कुछ अपग्रेड करने के लिए, तो आप क्या करते हैं उसके लिए वहां पर बोला जाता है कि इस एड को प्ले करो, और जैसे ही एड प्ले हो जाता है तब तो आपको कॉइन्स मिल जाते हैं फ्री के कॉइन्स। तो गाइस वहां पर भी आपके सामने जबरदस्ती एड को पुश किया जाता है, क्योंकि आपको उसके बदले कॉइन्स मिल रहे हैं और आप वो एड देख रहे हो। कंपनीज का भी फायदा, उस गेम बनाने वाले का भी फायदा, सबका फायदा होता है। तो ये भी एक तरीका होता है डिजिटल मार्केटिंग करने का।
तो उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।